इंजीनियरिंग करेंगे, एरोडायनेमिक्स करेंगे, उसके लिए फ्लूइड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लूइड फ्लूइड इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग कई सारे एरोडायनेमिक्स के रूल्स है, ठीक है, उन सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक और सेक्शन आता है, लास्ट सेक्शन, दैट इज फ्लोइंग फ्लूइड्स। फ्लोइंग फ्लूइड्स जो है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब ये इसके अंदर वापस से न्यूटन्स लॉ यही सब लगता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट कुछ करोगे। तो फर्स्ट लिख लीजिए, व्हाट इज फ्लूइड्स और सब्सटेंस, और सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, ठीक है, इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें कौन आ गया, लिक्विड एंड गैस, इसमें कौन आ गया, लिक्विड और गैस। जो हमारा डिस्कशन होगा वो सारा का सारा लिक्विड पे होगा, ठीक है, अपना जो भी डिस्कशन होगा दैट वुड बी लिक्विड। अच्छा, अपन ने एक क्वांटिटी डिस्कस करी थी, जितने लोग प्रेजेंट है अपना नाम लिखो केजीपी सर मैसेज में, जितने लोग प्रेजेंट है अपना अपना नाम लिखें केजीपी सर मैसेज में। विदुषी, कुंज, ऋषि, फटाफट नाम लिखो, नैतिक, अमित, नमन, महेश्वर, फटाफट लिखो, निधि, गौरव, मिताली, सुजल, किरण, सिद्धार्थ, अनका, अक्षय, फटाफट लिखो, आयुष, ध्रुवी, सारे बच्चों के नाम चाहिए जो भी प्रेजेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे प्रेशर, अपन एक स्ट्रेस क्वांटिटी भी डिस्कस करी थी, ठीक है, स्ट्रेस कुछ होता है वो भी अपन ने डिस्कस किया था। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैं प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में जो डिफरेंस है वो आपका ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेस, वो भी सेम डायमेंशन, प्रेशर भी, प्रेशर तो आपने पढ़ रखा है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया, पी इज एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया, ठीक है। सो यहां पे क्या है, एफ इज परपेंडिकुलर टू दी एरिया, ठीक है, और ये जो है प्रेशर क्या है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसको यूनिट क्या रहेगा, एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन बता दो, डायमेंशन लिख के मैसेज करो, इसका डायमेंशन क्या होगा वो मैसेज करो। का डायमेंशन क्या होगा वो मैसेज करो। डायमेंशन आ गया, वेरी गुड। डायमेंशन क्या है ध्रुवी? यस सर। डायमेंशन क्या है बेटा? सर, एम एल टू द पावर माइनस वन, टी टू द पावर माइनस टू। एम एल पावर कितना? माइनस वन। माइनस वन, और टी का? माइनस टू। माइनस टू, ठीक है, बाकी लोगों का भी यही आया।
ठीक है ओके। तो इसके बारे में जो डिफरेंस है स्ट्रेस और वो अपन देखेंगे। जैसे नॉर्मल एग्जांपल, आपके पास में जैसे आपका एप्पल है, ठीक है, और एप्पल है या कोई भी सब्जी है, आपको उसको कट करना है, ठीक है, तो नाइफ को उससे परपेंडिकुलर रखोगे तो ज्यादा बेटर कट करेगा, ठीक है। सपोज वही है, जो फोर्स जो होना चाहिए दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दी एरिया, जो फोर्स है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दी एरिया, ठीक है। और क्वांटिटी पता चली गई, यूनिट पता है ही इसका, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो भी सीजीएस यूनिट दे उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। अच्छा, आपने गैसियस स्टेट में मैनोमीटर करके किया है क्या? मैसेज करो, क्या गैसियस स्टेट में मैनोमीटर करके किया है क्या? ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाले चैप्टर के लिए आपको किसकी जरूरत है? मोस्टली आपको ओके, देखो देखो, अब आपके पास में ये पानी है, ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, माइक ऑन कर दिया भाई। देखो ये पानी दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास में एक कंटेनर है और ये इसके अंदर पानी है, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, ये जो कंटेनर है इसका ये दिखाई दे रहा है क्या, कुछ एजेस है, एजेस है, ठीक है। तो ये एजेस का एक आप ब्लॉक मान लो, एक सिलेंडर टाइप मान लो, ठीक है, इस लिक्विड इस जो कंटेनर में जिसमें लिक्विड है फ्लूइड है उसका एक शॉर्ट पार्ट मैंने मान लिया, ठीक है। सो मैंने इसका एक ऐसा इमेजिनरी, वो देखा था ना आपने, उसमें ऐसे कुछ, ये ऐसे लिक्विड का ही पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट मैंने मान लिया, लिक्विड का ही पार्ट है, लिक्विड का ही पार्ट है। अच्छा, और ये एक सिलेंडर है, क्या है बेटा, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, एक लिक्विड पार्ट है, ये क्या है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और ये लिक्विड जो है इसका डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ठीक है। यहां पे ये देखो, इसका सिलेंडर माना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए, कितना है, कैपिटल ए। हाइट कितना है, स्मॉल एच, हाइट कितना है, स्मॉल एच। अब ध्यान से इसको गौर करके देखिए, दिस इज हाइट, दिस इज हाइट एच, दिस इज एरिया ए, और इस ये पानी का ही हिस्सा है, ये पानी है, कोई ऐसा कंटेनर कोई मग वग नहीं डाला है, ये पानी ही है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा,
इसको मैंने बोल दिया ए, दिस इज पॉइंट ए जो ऊपर वाला सरफेस है, ये पॉइंट बी। अच्छा ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है यहाँ के ऊपर इस पॉइंट पे प्रेशर मान लीजिए पी ए, यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए पी बी। ये बात समझ में आ रही है? देखो ये एटमॉस्फेयर में है जस्ट जस्ट ये किनारे पे, तो यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए पी ए है। ये जो पॉइंट ए है इसके सरफेस पे, इसके सर्कुलर सरफेस पे यहाँ प्रेशर, सॉरी यहाँ प्रेशर ए मान लीजिए, यहाँ प्रेशर बी। सर ये कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए इज दी एरिया, एरिया इज कैपिटल ए। तो मुझे बताओ ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है या सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ऊपर प्रेशर पी ए है और एरिया ए है तो क्या इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा एफ ए, और इस वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा एफ बी। ये बात क्लियर है क्या? ऊपर एफ ए नीचे एफ बी, क्यों? सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। ये क्या है? फोर्स। बट है क्या ये? प्रेशर था, आपने बोला ना कि प्रेशर रहता है हर जगह, तो मुझे वेरिएशन निकालना है प्रेशर का हाइट के साथ। अच्छा इसका एरिया कुछ है क्या? इसके पास कुछ मास होगा, इसमें कुछ मास होगा। अच्छा अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो यहां से इसका मास एमजी होगा। अच्छा अब ये पानी, अगर आपने कंटेनर में थोड़ी देर पहले कंटेनर में देखा होगा, वो पानी किसमें है? इक्विलिब्रियम में। ये पानी का इमेजिनरी पार्ट या पानी का एक थैला मान लो, ये किसमें है? रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होगी प्रियांशु? देखो ऊपर एफ बी नीचे एम जी और ऊपर से एफ ए, इक्विलिब्रियम में है, बताओ जरा। सर एफ ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ बी, वेरी गुड। यहां से एफ बी माइनस एफ ए बराबर आ गया एम जी। ध्यान से सुनिएगा, ये एफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स इज प्रेशर एट पॉइंट बी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, प्रेशर एट पॉइंट ए इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। दिस इज मास, मास को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ए इनटू हाइट एच। तो दिस इज एरिया ए इनटू हाइट एच इनटू रो इनटू जी। कितनों को ये समझ में आया? वॉल्यूम ये डेंसिटी है रो, तो मास कितना हो जाएगा? मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। सो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? ए एच इनटू रो, ठीक है। सो यहां से कॉमन ए है, ए को निकाल दो तो यू विल बी गेटिंग पी बी माइनस रो जी एच, ए कट गया। कितनों को समझ में आ गया? ये रखना है, इसको अच्छे से प्रूफ को छाप लो। नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ये तो करा होगा ना, रोजीएच वाली चीज कर रखी थी आपने, हाइट के साथ में प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है ये आपको पता है। प्रूफ समझ में आया? इक्विलिब्रियम ऑफ दी वॉटर बैग, ठीक है, वॉटर बैग या जो भी इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द लिक्विड, ऐसा मान लिया वॉटर बैग जैसा ही। क्या यूज किया? न्यूटन्स लॉ यूज करके अपन निकाल दी।
हफ्ते से ही डन करो। हफ्ते से डन करो, हो गया सबका? ठीक है, ओके, सभी का हो गया, शाबाश। नेक्स्ट, ये तो अपने को आ गया कि नीचे नीचे हाइट के, जैसे ही आप नीचे जाते हो तो लिक्विड के डेंसिटी बढ़ जाती है। देखो यहां से कौन बड़ा है, पी भी बड़ा है, ठीक है, पी भी बड़ा है, इसके से रो जी एच। जी क्या है? ग्रेविटी। एच क्या है? हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक, तो जो डिफरेंस आ गया। अच्छा, अभी इसी कंटेनर में ये पॉइंट देखो, ये अपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, ठीक है, दिस इज पी ए, दिस इज पी बी, दिस इज पी ए, दिस इज पी बी। ये फ्लैट फ्लैट पोर्शन लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है? इमेजिनरी लिक्विड पार्ट। अच्छा, ये इमेजिनरी लिक्विड पार्ट है, क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में है? तो इसके यहां पे फोर्स लग रहा होगा एफ ए, इसके यहां फोर्स लग रहा होगा एफ, बात सही है। अच्छा, ये रेस्ट पे है, ये क्या है? रेस्ट पे है। ये सेम सेम लेवल पे है ना, सेम लेवल। अगर सेम लेवल पे है तो एफ ए माइनस एफ बी शुड बी एम इन टू ए एंड ए इज जीरो। हॉरिजॉन्टल, ये कहां पे लग रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो मैं क्या लिख दूं? एफ ए बराबर एफ पी, दिस इज पी ए इंटू, सॉरी, दिस इज पी ए इंटू एरिया ए। ये एकदम डायमीटर इसका बहुत, एरिया बहुत, इसका हाइट ज्यादा नहीं है, मैं बस सेम लेवल पे देखता हूं। प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट, बात समझ में आई क्या? ये पार्ट क्लियर है? सो द प्रेशर, ये लिख लीजिए, फिर नोट करके दो तीन पॉइंट्स लिखा देते हैं आपको, ये नोट करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट, प्रेशर एट द सेम लेवल of the liquid is same. The pressure at the same level of the liquid is same. अगर level same है तो pressure same है। Second point और लिख लीजिए। Pressure increases प्रेशर इंक्रीज, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, तो फटाफट डन लिखो। हो गया जे नाम का, हो गया श्रावणी का, हो गया कर रखा है, अथर्व का भी हो गया, वेरी गुड।
प्रथमेश, निकुंज, वेदांग, कार्तिक. सेकेंड पॉइंट लिखे, दी प्रेशर डिक्रीजेस डाउन दी down the liquids. The pressure decrease, point likho, abhi sahi se point likho. The pressure increases if we go down the liquid surface. ठीक है. सो जो अपने ओशंस होते हैं, ठीक है, सो ओशन के सरफेस पे ही पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है. तो जो भी डाइवर्स होते हैं वो अंदर जाते हैं, तो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे नीचे, चलो अपना सबमरीन ही गया, ठीक है, कोई सबमरीन ही गया अपना, तो भी नीचे सबमरीन में बहुत, ये जो वॉल्स हैं इसके बहुत ज्यादा प्रेशर सस्टेन करती हैं, ठीक है. जितना नीचे जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, तो जितना नीचे जाएगा ये सबमरीन है या जो भी डाइवर है, ठीक है, वो प्रेशर और ज्यादा महसूस करता है ये वाटर का कॉलम जो है, ठीक है. अब अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पी नॉट इज पी एटमॉस्फेयर. अब अर्थ पे क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ये पूरा अर्थ का कॉलम है ना, मतलब एक पूरे अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, उन सबका मास है, तो ये सब प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं ग्राउंड पे, जो कि अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है. 1 atm, 1 atm कितना होता है, ये 1 atm कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 1 atm कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. अरे कराया है ये, अपन ने उसमें भी यूज किया होगा, गैसियस, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में. 1 atm की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट फटाफट लिखो भाई. वन पॉइंट जीरो वन, वन पॉइंट जीरो वन थ्री. ठीक है, ओके, हो गया, तो फटाफट लिखो. तो ओशन सरफेस के नीचे जाओगे तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर आप महसूस करोगे. अब इसके भी ओशन वाले पे भी कुछ सवाल है, कर लेंगे अपन. ठीक है, ओके, डन. ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर, चलो एक ये करो, कंटेनर है, ठीक है, एंड H1 हाइट तक एक लिक्विड भरा है जिसका डेंसिटी रो वन है, और P
एक दूसरा लिक्विड है जो कि H2 हाइट तक भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। और आपको दिया दिस इज पी नॉट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड दिस पॉइंट इज सी। आपसे बोला है फाइंड प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। हाइट्स दे रखी है, हाइट सब दे रखी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, हाइट दे रखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। आपको बताना व्हाट आर द प्रेशर एट दिस पॉइंट्स। What is the pressure at point A? What's the pressure at point B? What's the pressure at point C? इतने चिंदी सवाल है, फटाफट बताओ। कहाँ आंसर क्यों नहीं आ रहे? अरे A point, ये atmospheric pressure कितना है, PATM कितना है, P नॉट, तो A पॉइंट कहाँ है, एकदम ऊपर से सरफेस पे। P नॉट की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी P A की वैल्यू कितनी होगी, P नॉट के बराबर ना भाई, P नॉट। B की कितनी होगी, देखो देखो B की कितनी होगी, B की होगी P A प्लस रो टू एच टू जी, कितने को समझ में आ रही है, पी नॉट प्लस रो टू एच टू जी। फिर पीसी की कितनी होगी, पीसी की मल्हार बताओ बेटा। हेलो सर। हाँ बताओ सर, रो जी इंटू एच वन प्लस एच टू प्लस पी नॉट। देखो ये जो है प्रेशर एट सी इज प्रेशर एट बी, और बी से कितना नीचे ये एच वन, दैट इज रो वन एच वन जी, ठीक है। बी का कितना है, बी का पी नॉट प्लस रो टू एच टू जी प्लस, नहीं समझ में आ गया ये, कितने जनता को समझ में आ गया ये। और बेटा पॉइंट निकाला, ये कितना नीचे, बी कितना है, एच टू नीचे। अच्छा ये जो एच टू नीचे जो है इसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, रो टू डेंसिटी का, तो रो टू एच टू। और सी में देखा तो सी क्या है, बी के नीचे है, और बी के कितने नीचे है, एच वन नीचे, तो एच वन गैप में कौन भरा हुआ है, रो वन। समझ में आ गया, सवाल आएंगे ऐसे। फ्लूइड इज वेरी इजी, छोटा चैप्टर है, कंट्रीब्यूट करोगे तो हफ्ते भर में हो जाएगा। हाँ भैया डेंसिटी अलग है, ये देखो
निकालो। बताना चाहे तो कोई बता भी सकता है। हो गया। ठीक है, मैच करा लो। पीए पी नॉट पीबी पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है, रो एच जी। और इस पी पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस टू रो टू एच टू जी, ठीक है, दिस इज पी नॉट प्लस फाइव रो जी एच पी डी इज इक्वल थ्री रो। ठीक है, कर लो इसको। ठीक, बढ़ जाए आगे। ठीक है, अभी एक और कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा करा लिए। क्यूब व्यूब तो आपने बहुत देख रखी है। ठीक है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, पूरा जो भी लिक्विड है, पूरा ये क्यूब जो है एक रो डेंसिटी की लिक्विड से भरा हुआ है। एंड फ्रॉम पॉइंट बी एच टू हाइट के ऊपर मेरे पास में जी और एच, एच टू हाइट पे और जी और केवल, ठीक है।
find ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट पूरा भरा हुआ, ये भी एच वन है ये भी एच वन, ये जी पॉइंट और के पॉइंट सेम लेवल, अरे ये सारे सेम लेवल में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, दिस इज पी नॉट प्लस रो एच पॉइंट टू, ठीक है। देखो सारे सेम लेवल में, ए बी सी और डी सेम लेवल में, तो सबका प्रेशर सेम, G का और K का सेम है, ये क्या है थोड़ा ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया तो माइनस। अरे देखो इसका D का प्रेशर ज्यादा होगा ना G पॉइंट से, G पॉइंट ऊपर है, K पॉइंट भी ऊपर है, C से ऊपर है, तो अगर K पे जो भी प्रेशर होगा उसको उसको रो एच टू जी एड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, C का प्रेशर, तो ये C का प्रेशर है, इसमें K का प्रेशर एड कर दिए, K प्लस दिस कर दो तो ये मिलेगा, कितनों को ये सेकंड स्टेप समझ में आया। अगर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, नीचे अगर समंदर में नीचे जाओगे तो प्रेशर फील होगा ज्यादा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कितनी जनता को समझ में आइए। आप इसको एकदम इजी सेक्शन है, आपने गैसियस स्टेट में थोड़ा बहुत कर रखा है ये, वेरी गुड, ओके आगे बढ़ रहा हूं। अब जो डिफरेंट डेंसिटीज लेंगे फिर और अच्छा मजा आएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन था मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज करके आया था, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लिखा है, मैकेनिकल एडवांटेज ये इसका पार्ट नहीं है, मैकेनिक्स का है। अरे ये देखो लीवर, लीवर सुना है क्या, लीवर ये बॉडी वाला लीवर नहीं, जैसे सिंपल सिंपल पॉइंट किधर, अरे बंद है भाई, ये देखो ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस है ले, ये डिस्टेंस 5L है, ये डिस्टेंस 5L है, अगर मैंने यहां पे
10 न्यूटन लगाया, कितना लगाया 10 न्यूटन, ये तो यहाँ पे कितना लगेगा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दू, तो ये ऑब्जेक्ट का कितना मास रख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम होने के लिए ये ऑब्जेक्ट का मास कितना हो सकता, मास 5 kg का ब्लॉक रख सकता, देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपने रखा 1 kg, तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा 5 kg, ठीक है, यहाँ 10 kg रखो, यहाँ 50 kg बैलेंस कर सकते, यहाँ 10 kg रखो, यहाँ 50 kg बैलेंस कर सकते, यहाँ 100 kg रखो, यहाँ 500 kg बैलेंस कर सकते, दिस इज मैकेनिकल एडवांस, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, बस ये टॉर्क की चीजें यूज कर ली। अच्छा ऐसे देखा होगा ना गांव में, या कोई देखा हो वो पत्थर वत्थर निकालने होते हैं, ठीक है, खानों से, तो ऐसे एक बड़ा वाला ये चीज यूज करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, यहाँ एक पत्थर में फंसाएंगे और यहाँ एक बड़ा सा पत्थर होगा, ठीक है, और ये चिंटा जैसा आदमी रहेगा, ये भी इसको बड़े से पत्थर को निकाल सकता, ऐसे देखा है क्या, कभी खेत वेत में गए हो, बड़ा सा है 50-60 kg का है, यहाँ बीच में आएगा, सहारा लेंगे और एक बड़ा सा डंडा लेके इसको निकाल देते हैं, दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज, दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, लीवर है, पुली है, ठीक है, ये सारे के सारे किसके यूज है, ये मैकेनिकल एडवांटेज वाले ही है, व्हील है। अच्छा कभी ये सोचा कि मुझे पानी निकालना है, ठीक है, गांव में कुएं में से पानी निकालना है, ठीक है, कईयों के तो कुएं भी हैं, तो ये जो बंदा है ये व्हीली क्यों यूज कर सकता, ये व्हीली क्यों यूज करता, ऐसा भी हो सकता है कुआ है इसमें बाल्टी डाले, एक ये भी ऑप्शन है ना अपने पास में, बाल्टी डाले और यहाँ से कुएं से पानी निकाले खींचे, ये व्हील लगाने की क्या जरूरत, अपने पुली उली किया तो रीजन है, एक ऐसा भी हो सकता है ना ये मेरा कुआ है तो डायरेक्ट रस्सी लो पानी डालो खींचते जाओ, ठीक है, इसमें ज्यादा थकान होगी, इसमें नहीं होगी, क्यों, क्यों बंदे का एफबीडी देखो, इसमें इसमें ज्यादा थकान होगी, इसमें क्या है, इसको बस इसको खींचना है, ये इतना फोर्स लगा देगा, बट यहां पे क्या है, यहां पे नॉर्मल ये एमजी, और मतलब ऑब्वियस है ये ऊपर तो नहीं जा रहा, ये नीचे जाता, ये बनाने में जो भी किया है ये यहाँ पे रहेगा एकदम कुएं के किनारे रहेगा और ये इसको ऊपर खींचेगा, ठीक है, और ये ऊपर खींचेगा तो नीचे इसके नॉर्मल भी लगेगा, जो भी टेंशन लग रहा है नॉर्मल लग, तो यहाँ नॉर्मल बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है टेंशन ऊपर नीचे एमजी और नॉर्मल कम रहता है तो आराम रहता है, ठीक है, कि पैर इतने मतलब आराम में खींच सकता है इसको, यहाँ पे पैरों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, क्यों, नॉर्मल इज टेंशन प्लस एमजी, यहाँ पे क्या है नॉर्मल इज एमजी माइनस टी, ठीक है, ये सब एग्जांपल है मैकेनिकल एडवांटेज के, ठीक है, यहाँ पे कम फोर्स लगाया ज्यादा काम कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि बाहुबली बन गया कि बस सिंपल लीवर का सिंपल मैकेनिक्स यूज करिए, ठीक है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल था कि मैकेनिकल एडवांटेज का रेशियो ज्यादा होगा इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एनर्जी अपने आप डेवलप होती है, वो फोर्स ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, बस ये चीज थी। और चलो बैक टू टॉपिक, अगर आपने किसी ने नीट वाले सवाल किए हो तो, अच्छा ये एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स कराऊंगा, आता है ऐसा, है ना, जे में भी आता है नीट में भी आता है, ये ऐसा मेरे पास में ट्यूब है एंड दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड यहां पे ऐसा एक सेपरेशन है, क्या है, सेपरेशन है, and this part is filled
and this part is also filled. This is filled with density 2 rho. This is filled with density 2. और ये देखो सेम लेंथ है, सेम लेंथ है एल, सेम लेंथ है एल. इफ द सेपरेशन, यहां पे लिक्विड ये भरा हुआ, यहां पे ये दूसरा वाला लिक्विड भरा हुआ, यहां पे ये वाला लिक्विड. If the separation is removed, find the height in the arms. Now, each arm of the U tube, ठीक है, इसका length कितना है? L length है जहां पे liquid हो रहा हुआ है. L length है और ऊपर बहुत बड़ा है ना, ऊपर बड़ा पार्ट है. सो आपको ये बताना है, ऊपर कोई लिमिट नहीं है, एल एल तक लिक्विड भरा हुआ है. आपको बताना है इफ दिस सेपरेशन इज रिमूव, व्हाट वुड बी द न्यू हाइट इन द आर्म्स. ये ए आर्म, ये बी आर्म, ठीक है, आपको नई हाइट बतानी. इस साइड कुछ है, लेफ्ट साइड, दिस इज राइट. अच्छा, जैसे मैंने सेपरेशन निकाला तो क्या होगा, कोई नीचे कोई ऊपर जाएगा क्या? थोड़ी सी फिजिक्स समझ में आ रही हो तो, ये डेंसिटी 2 रो है, ये डेंसिटी रो है, ये डेंसिटी रो है, ये डेंसिटी 2 रो है. ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे जाएगा और कम डेंसिटी वाला ऊपर चला जाएगा. तो एकदम लॉजिकल चीजें मैंने करी, इसमें तो सबका दिमाग चलता ना. अरे पानी में अपना जो ऑयल रहता है, ठीक है, ज्यादा ऑयल तो नहीं, जो भी आप अगर हेयर ऑयल डालते हो वही डाल लो, ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है. तो वही है, दो इक्वल कंटेनर थे, जैसे ऐसे ऐसे मानो, ऐसे ये वाला केस करके देखना, ठीक है. एक ऐसा सेपरेशन लेना, यहाँ पे पूरा ऑयल डालना और यहाँ पे पूरा वाटर डालना, यहाँ पे पूरा वाटर डालना, इसको निकाल देना. जैसे इसको निकालोगे तो ये सेपरेशन अलग हो जाता है, नो डाउट दिस वुड बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है. यहाँ पे ऑयल आ जाए तो वही बोले, ये सेपरेशन था, अब और कहीं जा नहीं सकते तो ऊपर जाएंगे, ये नीचे आएगा. सो मैंने बोला एल हाइट पे पहले से था, मान लो एल हाइट पे पहले से था, ये x हाइट और चला गया, l हाइट पहले से था एंड ये लिक्विड x हाइट और चला गया. l पहले से था x ऊपर चला गया. अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट, ये पहले से l हाइट था, ये ऊपर x चला गया, तो इसको थोड़ा सा और बेटर कर, इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं. पहले से एल था, एक्स ऊपर चला गया, तो जो रो डेंसिटी वाला है वो तो एल ही जाएगा, एक्स्ट्रा नीचे क्या पड़ा, एक्स्ट्रा नीचे एक्स पड़ा, ठीक है. अच्छा, यहां पे क्या था, पहले एल लेंथ था, अभी ये एक्स कम हो गया, एक्स कम हो गया और यहां पे टू रो जो है, this is L minus, this is 2 row, यहां पे ऐसा कुछ हो गया and ये वाला row है, ये वाला जो x हिस्सा है, ये वाला 2 row. ये पार्ट कितनों को समझ में आ रहा है? देखो बेटा, यहां से रो डेंसिटी वाला हिस्सा जो है, कुछ गड़बड़ करी क्या, नहीं गड़बड़ करी, ध्यान सुनना,
ये पूरा थोड़ी जाएगा, ये एक्स हिस्सा और चला गया। देखो यहाँ पे, यहाँ तक ये टू रो खत्म हो जाएगा, ये रो टू का रो ही रहे। देखो बहुत बड़ा पार्ट है ना ये, तो ये थोड़ा सा एक्स किसका, ये इधर एक्स जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर एक्स हो गया और ये एक्स नीचे हो गया। अच्छा यहाँ पे पॉइंट ए मान लो, यहाँ पे पॉइंट बी मान लो। देखो ये दोनों पॉइंट्स एक ही लेवल पे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट द सेम लेवल, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट सेम लेवल, दोनों ही क्या है सेम लेवल पे। देखो ये सरफेस है, ये मैंने इसको हटा दिया, हटाया, बट ये वाला जो लिक्विड है ये टू रो डेंसिटी वाला है, ये रो डेंसिटी वाला है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिडल से थोड़ा सा एक्स शिफ्ट हो गया है, तो ये एक्स ऊपर गया, ये डेंसिटी रो ही है। अच्छा ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, पॉइंट ए पे प्रेशर है पी नॉट प्लस रो एल प्लस एक्स इंटू जी, और बी पे प्रेशर है कितना, बी पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट प्लस रो एल माइनस एक्स इंटू जी। ये बात क्लियर हो रही, सॉरी दिस इज टू रो दिस इज टू रो। ध्यान से सुनो यार, ये पूरा कॉलम जो है, पूरा कॉलम जो है इसमें रो लिक्विड है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है एल और ये एक्स। देखो ये जो भारी वाला पार्ट था ये थोड़ा नीचे जाएगा, ये कितना नीचे गया, ये एक्स नीचे गया, तो अब ये लिक्विड यहाँ पे कितना भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है एल माइनस एक्स, ये वाला कितना भरा हुआ है, ये एल प्लस एक्स। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो, यहाँ लिक्विड की डेंसिटी है रो और ये लेंथ है एल प्लस एक्स इंटू जी। यहाँ पे बी पार्ट में ये पॉइंट जो है इसका ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट और इसका लेंथ कितना है एल माइनस एक्स और इसकी डेंसिटी कितनी है टू रो। ये दोनों इक्वेशन क्लियर हुई क्या? बच्चों क्लियर हुआ ये पार्ट? बेटा यहाँ जो भी है ये रो लिक्विड वाली लिक्विड है, ठीक है, रो डेंसिटी वाली लिक्विड, यहाँ पे टू रो वाली, ये इन पहले मिडिल में था, अब ये एक्स शिफ्ट हो गया था, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, व्हाई, बिकॉज दे आर एट द सेम level, at the same level of the container, ठीक है, container के same level पे हैं, तो PA की value कितनी है, P naught plus L plus X, P naught plus L, P naught कट गया,
समझ में आ गया सबको? ये पार्ट आया कि नहीं? जो हैवी वाला है वो नीचे चला जाएगा और लाइटर वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाली तो आफ्टर द सेपरेशन इज रिमूव द लेफ्ट पार्ट विल हैव लिक्विड अप टू अ हाइट ऑफ दिस एंड द राइट पार्ट विल हैव लिक्विड अप टू द हाइट दिस। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे ये पूरा रो डेंसिटी वाला है, ये टू रो डेंसिटी वाला है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। What is pressure at point A? Pressure at point A is P naught plus rho 4L by 3G. ठीक है? What is pressure at B point? Pressure at B point is P naught plus 2 rho. Height कितना है? 2L by 3. दोनों के pressure same है. दोनों के pressure same है. देखो P और P भी same है. आ गया ये पार्ट सबको समझ में? बढ़ जाए आगे। ठीक है जिसका हो गया प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लास्ट वाला स्लाइड भी मैं दिखा देता हूं। किसी का रह गया प्लीज लास्ट साइड ले लो। अच्छे से ड्रॉ करना, डिफरेंट पेन पेंसिल यूज करो, तब जाके समझ में आएगा कि अलग लिक्विड है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, इसका सब लोग सही करेंगे। ये अगेन L लेंथ, दिस इज ऑल्सो L लेंथ। ठीक है, ये इन बिटवीन मिडल में एक सेपरेशन है। यहां रो डेंसिटी है, यहाँ थ्री रो है। इफ द सेपरेशन इज रिमूव्ड फाइंड द न्यू हाइट ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स बोलो या आर्म बोलो, निकालो जो। ये बीच में सेपरेटर था। ठीक है, यहां तक पूरा डेंसिटी रो है, जो पिछले में किया वैसे ही करना है, फटाफट निकालो।
आया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरी गुड फ्रेम का आ गया हाइट बतानी है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो जरा कौन सा हैवी है थ्री रो वाला कौन सा हैवी है थ्री रो वाला तो इसकी जो हाइट रहेगी मान लीजिए ये एक्स आगे चला गया ये वाला एल है तो दिस इज पी ए दिस इज रो दिस इज एल माइनस एक्स दिस इज थ्री रो दिस लेट्स से आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज बी तो यहां पे प्रेशर है पी बी तो पी ए बराबर पी बी होना पी ए बराबर पी बी होना चाहिए तो पी ए की वैल्यू कितनी पी ए की वैल्यू पी नॉट प्लस रो एल प्लस एक्स इंटू जी प्लस पी नॉट प्लस थ्री रो एल माइनस एक्स पी नॉट निकल लिया रो निकल लिया सीधा ये बचेगा थ्री एल माइनस थ्री ठीक है दिस इज फोर एक्स दिस इज फोर एक्स इज एल बाई टू एक्स इज एल बाई टू सो लेफ्ट हैंड साइड का जो है लेफ्ट साइड में आपकी हाइट होगी थ्री एल बाई टू राइट साइड में हाइट होगी एल बाई टू समझ में आ रहा है बेटा ये एल बाई टू करोगे तो ये एल बाई टू ये एल बाई टू एड करोगे थ्री एल बाई टू न्यू हाइट में अरे समझ में आया ये बना लेना लास्ट में एक और बार इधर जो है हाइट 3l by 2 इधर जो हाइट l by 2 ये l by 2 वो 3l by 2 क्लियर है यहां पे थ्री रो वाला लिक्विड था यहां रो वाला लिक्विड सबने छाप लिया लास्ट में बना जरूर लेना ये आईआईटी टाइप के सवाल देखो कितने लोग कर पाते हैं अभी तक मैंने जो लिक्विड दिया था सिर्फ दो लिक्विड लिया था रह गया फटाफट सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका नहीं हुआ है इसका भी ले लो ये समझ में आया क्या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पी नॉट कट गया रो कट गया जी कट गया ठीक है सिर्फ ये इक्वेशन बचेगा ये एडवांस के बच्चों के लिए बाकी लोग भी सॉल्व कर सकते हैं ये जो इसका फ्लैट पोर्शन है ना फ्लैट पोर्शन इसका फ्लैट पोर्शन इसमें लिक्विड है टू रो डेंसिटी का कितने डेंसिटी टू रो और यहां पे
एल लेंथ तक, यहां एल लेंथ तक लिक्विड है रो डेंसिटी का। सिमिलरली यहां पे एल लेंथ तक लिक्विड है थ्री रो डेंसिटी, ठीक है। यहां पे एक सेपरेटर लगाया हुआ है, यहां पे एक सेपरेटर लगाया है। इफ द सेपरेटर आर रिमूव्ड, इफ द सेपरेटर आर रिमूव्ड, फाइंड द न्यू हाइट। अगर सेपरेटर्स को निकाल दिया तो नई हाइट क्या है? इसको मान लो ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये ब्लैक है, तो ऑब्वियस है कौन नीचे जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था ना, सिर्फ दो लिक्विड थे तो एक थोड़ा सा इधर पुश हुआ था, दूसरा वाला सेम डेंसिटी वाला इधर जा रहा था। अभी सीन थोड़ा डिफरेंट होगा, तीन ऐसे डिफरेंट होगा कि अगर देखो ये वाला एक्स नीचे जाएगा, ठीक है, और ये वाला एक्स ऊपर जाएगा, तो ये एक्स ऊपर और ये, ध्यान सुनो, ये तो पूरा का पूरा एल लिक्विड होगा, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला जो अपन ने लिया है रो डेंसिटी वाला, ये पूरा एल कॉलम चला गया। अच्छा, अब जो ब्लैक में है This is two row, ये वाला x ऊपर आया, यहां पे है two row, ये जो है two row, अब ये क्या होगा, ये थोड़ा कम हो गया, ये x इधर आ गया and this is three row, ये जो लिक्विड है ये three row वाला है, ये वाला थ्री रो वाला है। अच्छा, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है एल माइनस का एल प्लस। अब यहां पे प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, ये दोनों का सेम होना चाहिए। ये सिर्फ सेपरेशन दिखाया मैंने, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सेम होना चाहिए। तो प्रेशर एट ए इज पी नॉट प्लस रो एल जी प्लस टू रो एक्स इंटू जी। ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे इस साइड में दो डिफरेंट कॉलम है, इस साइड एक रो डेंसिटी का एल कॉलम है और दूसरा टू रो का एक्स कॉलम है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज पी नॉट प्लस रो एल जी प्लस टू रो एक्स इंटू जी। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी, पी नॉट प्लस थ्री रो एल माइनस एक्स इंटू जी, ठीक है। दोनों को इक्वेट करा दो, आंसर आएगा। दोनों को इक्वेट करा दो, आंसर है। यार अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा।
एक ही बच्चे का है, प्रियांशु का है, बाकी जनता कितनों को नहीं समझ में आया अभी भी। अरे पहले क्या होता था ना, सिर्फ दो लिक्विड होते थे, अब यहाँ तीन लिक्विड हो गए, तो सबसे भारी सबसे डेंस कौन सा है? त्रीरो। तो त्रीरो नीचे आएगा, और अगर ये एक्स नीचे आएगा तो यहाँ पे तो फिक्स डिस्टेंस है ना बेटा, यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस है। एक्स की वैल्यू कितनी आई? ये पी ए पी भी क्यों किया? क्योंकि ये सेम सरफेस पे है, ये सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे है, तो प्रेशर सेम। ये लेंथ डिफाइंड है, इस लेंथ में टू रो था, तो अगर थ्री रो अंदर आया तो टू रो को बाहर निकलना पड़ेगा, तो टू रो की वजह से भी कुछ प्रेशर डेवलप होगा। तो यहां से यार सॉल्व कर लेना, आंसर तो इजी है, रो एल जी पी नॉट प्लस रो एल जी टू रो एक्स इंटू जी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हो गया तो प्लीज डन लिखो। थोड़ा सा बेटर, दो दो फ्लूइड थे, तीन फ्लूइड दे दिए, तो बस इतना चमकना चाहिए, जो हायर डेंसिटी है नीचे आ जाएगा, लोअर डेंसिटी ऊपर हट जाएगा, और सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर। ठीक, ओके। अच्छा एक चीज और मेरे को बतानी थी, ये आपको देखने मिल जाएगा कि लेट्स से दिस पॉइंट इज, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी एंड इट इज सम हाइट एच, ठीक है, जो प्रेशर एट बी जो होता है दैट वुड बी पी नॉट प्लस रो जी एच, लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है। तो कभी कभार क्या बोलते हैं ना, रो जी एच, ठीक है। सो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक पॉइंट के प्रेशर से निकाल देते हो, लेट्स से दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट बी, तो प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो डाउट दिस इज एटमॉस्फेयर, सो ये रो जी एच आ जाता है। इसको कभी कभार गॉज प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गॉज प्रेशर बोलते हैं, दिस इज रो जी एच इज नोन एज गॉज प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको, गॉज प्रेशर। क्या होता है, इफ यू सब्ट्रैक्ट, if we subtract atmospheric pressure
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट फ्रॉम डी प्रेशर एट अ पॉइंट फ्रॉम डी प्रेशर एट अ पॉइंट देन इट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर. हो गया. कॉज प्रेशर सिंपल है. ओके नेक्स्ट देखिए ये थोड़ा सा है ना कोई भी पॉइंट के प्रेशर से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो कोई भी पॉइंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सॉरी कोई भी पॉइंट के प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो यू विल गेट गॉज प्रेशर एट दैट पॉइंट. जरा ये ध्यान से समझना सेम लिक्विड भरा है ठीक है. यहाँ पे प्रेशर ए है यहाँ पे प्रेशर बी है यहाँ पे प्रेशर सी है ठीक है बी सी और इनके जो बेस है बेस इसका भी एरिया इसका जो एरिया है दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए. ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेस का इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए इसका भी एरिया ए है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ठीक है. सिलेंड्रिकल ऐसे वेसल्स रखे हुए हैं एक ऐसे सिलेंड्रिकल वेसल एक ऐसा ये बाल्टी टाइप का शेप नजर आ रहा है क्या ये बाल्टी टाइप का. अच्छा एक दूसरा क्या है ये वाला पार्ट क्या है ये जैसे वो नहीं होते क्या आपके ट्यूब्स एच ट्यूब मतलब काइंड ऑफ फ्लास्क जो होते हैं फ्लास्क वैसे है. सबका एरिया सेम है बॉटम पे सबका एरिया सेम है बॉटम पे ठीक है. आपको बताना है व्हाट इज दी मासेस ये लिक्विड जो है इसका मास एम ए है इसका एम बी है एंड इसका ये एम सी ठीक है. इनके मास का करेक्ट ऑर्डर क्या है किसका सबसे ज्यादा मास है किसका सबसे कम है
हाइट सबका एच ही है, सबका हाइट एच, सबका हाइट एच, सबका हाइट एच, सबका हाइट एच है। जितना भी जो लिक्विड सेम सेम टाइप का लिक्विड है रो डेंसिटी का, सेम टाइप का लिक्विड है रो डेंसिटी का, आपको बताना है मास सबसे ज्यादा किसमें है। मास सबसे ज्यादा, मासेस बेटा मासेस, हाइट सबकी सेम है, अरे मास किसका ज्यादा होगा यार, डेंसिटी सबकी सेम है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा, किसका वॉल्यूम ज्यादा है बेटा, ये ए में आप ये सिलेंडर फिट कर सकते, वॉल्यूम ए सबसे ज्यादा, फिर वॉल्यूम बी है, फिर वॉल्यूम सी है, तो मास सबसे ज्यादा किसका होगा, मास सबसे ज्यादा ए का होगा। अरे भाई ये पार्ट ए है तो ये पूरा आपका एरिया ए आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये और ये एक्स्ट्रा पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सी, मासेस का रिलेशन। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पे, ए पे बी पे सी पे, सबने देखा ये बेटा, ये सिलेंडर तो इसमें फिट हो जाएगा, मासेस सबके अलग अलग हैं, ए का मास सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर एट ए बी सी, वेरी गुड, प्रेशर सबका सेम है, प्रेशर सबका सेम है, मास सबके अलग होंगे बट प्रेशर सबके सेम है, ये कैसे हुआ, आपने अभी देखा था जो भी वाटर कॉलम होता है, वाटर कॉलम होता है ऊपर सबके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत सही हो गया, नीचे जो है, नीचे जो है सबका प्रेशर सेम क्यों, मासेस और सबके अलग है, मासेस सबसे कम इसका मास है, फिर भी इसका प्रेशर इतना ज्यादा कैसे हो गया, कोई कोई रीजन बताना चाहे, मासेस आर डिफरेंट, masses are different but why the pressure at the bottom is same, हाँ भाई हाइट सेम है इसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी, ओके अब देखिए बच्चों हुआ क्या ना, जब देखो याद करो, ये जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में कराया था कहाँ गया, ये देखो ध्यान से याद करो, मैंने यहाँ पे P लिया, यहाँ पे P नॉट लिया, सबका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम था, अब ये PB माइनस PA क्या था, PB या FB माइनस FA MG था, अब उस लॉजिक से अगर अपन देखें FB माइनस FA वो तो MG के बराबर है, अब सबके मासेज अलग हैं, ऊपर P नॉट प्रेशर सेम है, ऊपर P नॉट प्रेशर
सेम है। देखो 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 ये पैराडॉक्स क्यों हुआ तो समझ नहीं आया, अभी आप लोग तेज हो, आप लोगों को सब समझ में आता है। इसने बोला कि यार पी ए माइनस पी नॉट करूंगा तो वो तो एम ए इंटू जी होना चाहिए, मतलब ऑब्वियस है, एरिया भी एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही क्या? नहीं चमकता, चलो ठीक है छोड़ दो, बस सिंपल लॉजिक है। आपने जो फोर्सेस की इक्वेशन लिखी mg को बैलेंस कराने की ट्राई किया ना, अब मास ऑफ ए सबसे ज्यादा है बेटा, ऊपर का प्रेशर, इसका प्रेशर, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये पीए है, अब इसका मास सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियस है अगर आपने एक जगह पे पी नॉट ले रखा है, एक से कुछ गड़बड़ किया है, एक देखो यहाँ पी बी है, यहाँ पी नॉट है, वेट सबका अलग है, बट एक चीज मिस हो गई। देखो यहां से ये वाला कंटेनर देखना, मानता हूं मास सबसे ज्यादा है और ये भी सेम है, बट ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर की वॉल्स है, ये जो भी मास है, जो भी मास है एम एम ए एम ए जी, जो भी मास है एम ए जी, इसको बैलेंस आउट करने के लिए वी हैव यहां से नॉर्मल फोर्स भी लगता है वॉल, यहां से वॉल का नॉर्मल फोर्स जो भी है, देखो वॉल पे भी लगा रखा है कुछ, तो इसके वजह से भले ही मास ज्यादा हो बट देयर वुड बी दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इज प्रोवाइडेड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट of force is provided अब इसका मास ज्यादा था, MA का मास वॉल इज ग्रेटर, इसमें क्या हो गया, इसमें ये वॉल जो है इसको डाउनवर्ड फोर्स देती है, भले ही मास जो है इज लेस बट क्या हुआ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स देती है, इसके वजह से जो बॉटम पे फोर्स है दैट इज सेम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? जो वॉल्स हैं कंटेनर के, सिलेंडर के केस में सिलेंडर के केस में क्या होता है, वर्टिकल फोर्स नहीं लगता। यहां पे देखो कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है बट यहां पे क्या है, वॉल्स भी नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करती हैं, इसकी वजह से कम मास में भी प्रेशर यहाँ पे बॉटम पे ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? ये पहले पहले चीजें इतना लोगों को नहीं पता थी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो क्योंकि जो भी एफबीडी बनाया है उसके अंदर आपने प्रेशर एट अपर पॉइंट, प्रेशर एट लोअर पॉइंट, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पे इसमें लिख दीजिए वॉल्स एक्सर्ट अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Walls exert force in the upward direction. एक में वॉल अपवर्ड एग्जर्ट करती है, एक में डाउन. ओके इतना. अच्छा ये देखो, ये आपने कर रखा है. जैसे एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, इसमें ऑब्वियस है एयर फिल है टेस्ट ट्यूब अपने पास, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है एंड ये टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी है. क्या है? मर्क्यूरी है. तो इसका लेवल यहां तक है, इसका लेवल यहां तक. अगर मैंने इसको, सुनो ध्यान से सुनो कैसे करना है, इसको पहले थंब से प्रेस कर दो, इसको थंब से इसको प्रेस कर दो. थंब से प्रेस करके इसके अंदर लिक्विड में ये जो मर्क्यूरी है उसमें ले जाओ और फिर उसको ऐसे इन्वर्ट कर दो, ऐसे इन्वर्ट कर दो, ठीक है. सो ये लेवल है. अच्छा अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये क्या होगा, मर्क्यूरी इसके अंदर ऊपर तक राइज कर जाता, इसमें मर्क्यूरी ऊपर तक राइज कर जाता, ठीक है. और जैसे थोड़ा सा बड़ा बना लिया अपन ने कि ये ऐसा ट्यूब है, ठीक है, एंड इनसफिशिएंट बड़ा रहता है ये, और ये हाइट कुछ ऐसे हो जाती है. अच्छा नीचे भी मर्क्यूरी है, बाहर जो सराउंडिंग एरिया उसमें भी मर्क्यूरी. अब ये प्रेशर पी नॉट, ये प्रेशर पी नॉट. आप ध्यान से सुनिएगा, अगर अगर आपको ये दिया है कि यार ये हाइट है एच, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी एंड ये पॉइंट है सी, तो मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी. तो जो बी पॉइंट है उस पे प्रेशर है, उस पे प्रेशर है कितना, पी नॉट के बराबर. उसके पास प्रेशर कितना है, पी नॉट के बराबर. और इसके अंदर यहाँ पे काइंड ऑफ वैक्यूम टाइप के अपन पूरा सक करके या एकदम एयर जैसा ही है. यहाँ मिनिमम देखो, ये तो सराउंडिंग वॉल्स हो गए, यहाँ पे बिल्कुल कम मात्रा में, तो वैक्यूम बोल सकते हैं इसको. तो यहाँ पे कुछ भी प्रेशर नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, ये तो खुला हुआ नहीं है. थोड़ा सा जो पार्ट है उसको बोल दिया कि बंद है, वैक्यूम है, एकदम मिनिमम कोई भी प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है यहाँ. मतलब थोड़ा बहुत होगा एयर का, बट वी आर एज्यूमिंग कि भाई अपन ने एकदम खाली करके इसको ऐसे इन्वर्ट करके किया था, तो एयर को एकदम रिमूव किया, ठीक है, एंड फिर उसको थंब लेके ऐसे नीचे रखा, फिर इन्वर्ट कर दिया. सो वी आर गेटिंग लाइक दिस.
तो यहां पे प्रेशर इज जीरो, तो व्हाट वुड बी द प्रेशर एट पॉइंट बी, दिस वुड बी जीरो प्लस रो जी एच, दिस इज पी नॉट, ठीक है, दिस इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एच जी, ठीक है. तो व्हाट इज हाइट, पी नॉट प्लस रो एच, ठीक है. तो ये आपको पता ही है, दिस इज 1.01 इनटू 10 पावर 5, ठीक, एंड दिस डेंसिटी आप